नाम नरेंद्र मोदी, हाइट 5 फीट 6 इंच और छाती 56 इंच, नाम की ईएनटी स्टेटस ब्लाइंड एंड डेफ। हिंसा की आग में धधक रहे मणिपुर में देश के प्रधान सेवक की गुमशुदगी के पोस्टर्स लगा दिए गए हैं, क्योंकि 40 दिन से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी मणिपुर में स्थिति नियंत्रण में नहीं है। पिछले 40 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक चुनाव प्रचार करते हैं, विदेश जाते हैं, 50 से ज्यादा कार्यक्रम में शामिल होते हैं, धूमधाम से नए संसद का उद्घाटन करते हैं, अपने मन की बात भी करते हैं, लेकिन मणिपुर की बात नहीं करते। मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोलते। एक बार भी मणिपुर पर कोई हाई लेवल मीटिंग नहीं बुलाई जाती। क्या इस देश के प्रधानमंत्री का काम केवल पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करना है? क्या चुनाव जीत लेने के बाद उनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं? क्यों जो मन की बात करते हैं उनका मणिपुर बोलने में कंठ सूख जाता है? मणिपुर की स्थिति हर दिन के साथ बद से बदतर होती जा रही है। पिछले 44 दिनों से राज्य में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद हैं। इसे बढ़ाकर अब 20 जून तक के लिए कर दिया गया है, ताकि मणिपुर में भाजपा अपनी नाकामियों को छुपा सके। इस बीच मणिपुर में भाजपा के मंत्री के घर को आग के हवाले कर दिया जाता है, बीएसएफ जवान की हत्या कर दी जाती है, एम्बुलेंस में 3 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन मोदी साहब को इन सब से फर्क नहीं पड़ता। मणिपुर में भाजपा पूरी तरह से फेल साबित हुई है।